दोस्तों, आजकल के टाइम में बहुत सारी चीजें हैं जो टेक के वर्ल्ड में अपडेट होती जा रही हैं, और आपका इन चीजों से अपडेट रहना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हम अपडेट्स आपके लिए लेकर आए हैं एक साथ, जिससे आप जस्ट एक वीडियो में जान सकें कि 24 आवर्स में क्या क्या जो है वो रिलीज हुआ है, क्या 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 रिलीज होने वाला है, या क्या क्या नई चीज मार्केट में आने वाली है। लेकिन ऐसी बहुत सारी अपडेट होते हैं जो आपको जस्ट हम एक वीडियो के थ्रू नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारी अनलिमिटेड एवरी आवर एवरी मिनट एवरी सेकेंड अपडेट्स आती रहती हैं टेक की दुनिया की। इसलिए सब अपडेट को एक वीडियो में डालना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि अगर वीडियो में डालेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए हमने एक ट्विटर हैंडल तैयार किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है, हमारे ट्विटर हैंडल पे हमको फॉलो करना है। वहां पर आपको एवरी आवर एवरी मिनट एवरी सेकेंड जो भी टेक अपडेट आएगी आपको निरंतर वहां पे मिलेगी। इससे क्या होगा, आप टेक की दुनिया से निरंतर जुड़े रहेंगे और आपको बाहरी दुनिया के बारे में पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है, क्या अपडेट आ रही है, क्या चीजों में आपको अपडेट होना जरूरी है, जिससे आप सेफ रह सकें, सतर्क रह सकें, और आपके फैमिली वाले भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता। तो उन्हीं वीडियो के बारे में, उन्हीं चीजों के बारे में आपको बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की एपिसोड नंबर 1, जिसमें हम आपके लिए कुछ टेक अपडेट्स लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली टेक अपडेट यहाँ पे निकल के आती है, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप रिलेटेड। जी हाँ, व्हाट्सएप जो है एक सर्वे जो है आप सभी के कुछ नंबर्स पे भेजने वाला है। उससे क्या होगा, आपको एक सर्वे आएगा, आप चाहें तो उसको एक्सेस दे सकते हैं, मतलब आप सर्वे में जा सकते हैं या फिर डिक्लाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो सर्वे में नहीं जा सकते हैं। अगर आप सर्वे में जाते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि व्हाट्सएप के फीचर आपको कैसे लगते हैं, क्या उसके फीचर्स में आपको कुछ चेंज चाहिए या कुछ कमी तो नहीं है। वैसे फीचर्स के बारे में एक सर्वे होगा जो कि कुछ नंबर्स पे आएगा, सभी नंबर पे नहीं आएगा, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सर्वे नहीं करना चाहते तो एज आई सेड आप उसको डिक्लाइन भी कर सकते हैं, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। साथ में एक और वहां पे सर्वे होगा, वहां पे एक फीचर ऐड किया जा रहा है कि आप अपने लिंक डिवाइस से अपने प्राइमरी डिवाइस पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हो। लाइक आपका फोन में जो व्हाट्सएप ओपन है, अगर आपके पीसी में वो व्हाट्सएप ओपन है तो आप पीसी से डायरेक्ट अपने फोन में सेम नंबर में भी मैसेज कर सकते हो। तो ये फीचर का भी वहां पे सर्वे किया जाएगा और इस फीचर को भी एड ऑन किया जाएगा। तो ये थी पहली न्यूज। सेकेंड न्यूज की बात करी जाए तो सेकेंड न्यूज यहाँ पे निकल के आती है, रेडमी का A1 की कुछ स्पेसिफिकेशन और लाइव इमेजेस जो है वो लीक हुई हैं। इनके जस्ट रूमर्स होते हैं, ये कभी भी कंफर्म नहीं होती है। कंफर्म की बात मतलब कभी भी ये हमेशा ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से अनाउंस की गई है। इनके कुछ रूमर्स निकल कर रहे हैं, कहीं बाहर से, कहीं इधर से सोर्स से, बहुत सारे रूमर्स निकल कर रहे हैं। तो रेडमी का A1 जो है वो हो सकता है कि एक मंथ के अंदर लॉन्च हो जाए। तो उसके कुछ स्पेसिफिकेशन और लाइव इमेजेस सामने आई हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करें तो उसमें मीडियाटेक हीलियो A22 SoC प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा हमें साथ में देखने को मिलेगा, इसमें AI कैमरा देखने को हमें मिलेगा। साथ में बात करी जाए तो वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच यहाँ पर हमें इस फोन में देखने को मिलेगी। और प्राइस रेंज की बात करें तो ये फोन जस्ट लॉन्च होने वाला है 10,000 के आसपास, मतलब 10,000 के आसपास ये फोन जो है लॉन्च हो सकता है। बात करें थर्ड न्यूज की तो है रियलमी का C33 जो है वो 6 सितंबर को दोपहर के 12 बजे लॉन्च होने वाला है, और ये ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया गया है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, साथ में 5000 mAh की बिग बैटरी, जो कि इन्होंने बताया है काफी ज्यादा बैटरी बैकअप आपको, मतलब 37 स्टैंड बाई हॉर का बैकअप जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। काफी बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस इस फोन के देखने को मिलेगी। बात करें तो ये काफी थिन डिजाइन में हमें रियलमी C33 देखने को मिलेगा। इसके डिजाइन की बात करी जाए तो 8.7 mm थिन का इसका डिजाइन है, जो कि सेम ही काफी थिन डिजाइन है। वेट भी इसका काफी हल्का वेट है, 187 ग्राम, जो कि आपके हैंड्स पे ज्यादा ऐसे मतलब हैवी भी नहीं लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, वो है एप्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, वो क्या है आप जानते हो, मतलब एक सर्वे किया गया कार ओनर्स के साथ कि आप आने वाले फ्यूचर में क्वालिटी के हिसाब से कौन सी ब्रांड की कार को जो है वो चूज करना पसंद करोगे। आप बिलीव नहीं मानोगे, ऐसी कंपनी का नाम जो है वो टॉप थर्ड में आया है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, मतलब जिसकी अभी तक इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में अभी तक कोई भी कार नहीं आई है। तो वो कंपनी है एप्पल, जिसको 26% लोगों ने जो है वो वोट किया है। जी हाँ, और ये आई है थर्ड नंबर पे। और फर्स्ट नंबर की बात करी जाए तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आई है टोयोटा कंपनी, जिसको वो परसेंटेज की बात करी जाए तो यहाँ पर टोयोटा को जो है वो 38% वोट मिले हैं, मतलब 38% लोगों ने कहा है कि हम फ्यूचर में क्वालिटी के हिसाब से टोयोटा को नंबर वन पे पसंद करना जो है वो सोचेंगे। और सेकंड नंबर की बात करी जाए तो होंडा, जिसको 32% लोगों ने जो है आने वाले फ्यूचर में क्वालिटी के हिसाब से पसंद किया है। और 26 पे तो एप्पल आता है, जैसे कि आपको कहा कि टॉप थ्री में जिसकी ने अभी तक अपनी कोई कार भी लॉन्च नहीं की है मार्केट में, वो अभी भी 26% लेके जा रही है। अगर मार्केट में कार आ जाती तो फिर
क्या धमाल मचाएगी हमें नहीं पता। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन सी कार जो है आने वाले फ्यूचर में चूज करना पसंद करेंगे, अगर आपके पास ऑप्शन हो और एक अच्छा पैसा हो या फिर कम पैसा भी हो तो कौन सी कार आप लेना पसंद करोगे, कौन सी कंपनी की, सोच के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। और उसके बाद टेस्ला जो है वो भी नीचे रह गई, और बात करें और कौन सी बात करें, टेस्ला भी नीचे यहाँ पे रह गई। टेस्ला को जो परसेंटेज मिली है वो जस्ट 20% थी और फोर्ड को मिला है 21%, मतलब अनबिलीवेबल है। थोड़ा पता नहीं क्यों टेस्ला ठीक है, एप्पल ब्रांड है आजकल के टाइम में, और आपको तो पता है जस्ट अभी एप्पल 14 भी लॉन्च होने वाला है, उसके ऊपर भी जल्दी अपडेट आपको मिलेगी। नेक्स्ट टेक न्यूज की बात करी जाए तो टेक्नो का मैकबुक T1 15.6 इंच डिस्प्ले का लैपटॉप लॉन्च हो गया है। इसकी बैटरी की बात करी जाए तो बैटरी बैकअप यहाँ पे हमें काफी वीक देखने को मिल रहा है, 17.5 का बैटरी बैकअप सही में मतलब अनबिलीवेबल है, 17.5 17 घंटे का बैकअप, आधा घंटा और मतलब कमाल है। और साथ में हमें जो है यहाँ पे 16 GB रैम देखने को मिल सकती है अप टू द। बात करें नेक्स्ट अपडेट की सिक्स न्यूज की वो है iPhone 14 के लेकर, बहुत सारे इसके रूमर्स निकल के आ रहे हैं, पर्पल डिजाइन भी इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं बहुत प्यारा इसका स्लीक डिजाइन हमें देखने को मिलेगा। और ये 7 सितंबर रात को 10:30 बजे इसका इवेंट एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट या एप्पल में आपको लाइव देखने को मिलेगा। अगर हो सका तो हम भी इसे अपने चैनल पर लाइव करेंगे, अगर आपको एप्पल इवेंट देखना है तो। अगर फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लॉन्च होने वाले हैं, और अगर हम लाइव करते हैं तो आपको बहुत सारे डिटेल हम अपने तरीके से बताएंगे और इस तरीके से समझाएंगे जो आपको कंफर्टेबल बनाएगा और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बटन दबा दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर लें ताकि आप मिस ना कर सकें कोई भी अपडेट। और बात करें 14 में हमें 3-4 सीरीज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, जिसके बारे में आपको पता है कि 14 प्रो मैक्स और ये सीरीज हमें देखने को मिलेगी। पर्पल कलर एक्स्ट्रा ऐड किया है इन्होंने। और यहाँ पे बात करी जाए 6.7 इंच का भी बिग डिस्प्ले यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, और बात करी जाए 48 मेगापिक्सल का कैमरा, ये तो आपको पता ही है रूमर्स, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ मतलब अनबिलीवेबल है मेरे लिए, मतलब 48 मेगापिक्सल भाई एप्पल में भाई क्वालिटी नेक्स्ट लेवल होने वाली है जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि एप्पल कभी भी इमेज की क्वालिटी से या अपने कैमरा की क्वालिटी से कभी भी जो है कभी भी कमी नहीं दिखाता है, बहुत सही परफॉर्मेंस का कैमरा देता है। तो 48 मेगापिक्सल नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। बात करें यहाँ पर हमें जो है बायोनिक चिप देखने को मिलेगी, जो कि है एप्पल की A16 चिप इस फोन में हमें देखने को मिलेगी। और बात करें जाए इसमें एक और खास बात जो है निकल के आ रही है वो है सैमसंग, जी हाँ एप्पल के बीच में है ये, एप्पल के बीच में ये बात इसलिए है क्योंकि एप्पल जो है अपने 82% फोन्स में इस्तेमाल करने वाला है सैमसंग की डिस्प्ले, जी हाँ ये परफेक्ट न्यूज़ है और बहुत सही न्यूज़ है, लिख के रख लीजिए। एप्पल जो है सैमसंग की डिस्प्ले अपने फोन्स में यूज करने वाला है 82% फोन्स में, और प्राइस इसका लगभग आपको तो पता ही है कि 1 लाख से अब ही होगा अगर आप थोड़ा सा हाई इंटरनल स्टोरेज वाला फोन अगर आप लेना चाहते हो। बात करें नेक्स्ट अपडेट की तो वो है BGMI के ऊपर, BGMI काफी टाइम से प्ले स्टोर से हाइड है, क्योंकि बैन अगर होती तो वो हाइड नहीं होती, वो हाइड है, आप चाहें तो सेटिंग चेंज करके उसको देख भी सकते हैं, वहां पे हम भी आपको एक वीडियो ला देंगे जिसमें आप देख पाओगे कि वो अभी प्ले स्टोर में दिख रही है, बट उसके लिए कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, मतलब उन्होंने हटाया नहीं है रिमूव नहीं किया है, तो उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। बाकी बात करें कि जो भी बैन रिलेटेड ऑफिशियल स्टेटमेंट तो अभी तक कुछ आई नहीं है, और जो भी दावे किए जा रहे थे उन सब पे फेक का लोगो लग चुका है, कि मतलब जो भी अनबैन रिलेटेड आपकी खुशी थी उस पर एक तरफ से मतलब जो भी आपकी अनबैन रिलेटेड एक खुशी थी, डरिए मत उसको बरकरार रखिए, सारे दावे फेक साबित हो चुके हैं। लेकिन हम है ना, आपको जस्ट क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल को ऑल पे कर लेना है, ऐसा क्यों, जल्दी हम तथ्यों के साथ वीडियो लाने वाले हैं जिसमें आपको बताएंगे क्यों हमें लगता है कि 99% BGMI इंडिया में कम बैक करेगी, क्योंकि एक पहली बात ये रिमूव तो नहीं हुई है, बाकी तथ्य आपको उस वीडियो में देखने को मिलेंगे क्योंकि थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनेगी। तो अगर आप BGMI फैन हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ऑल पे कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एपिसोड 1 हमारा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, आपके कोई भी सवाल हो कमेंट करें, हम उनका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मोर टेक अपडेट्स के लिए, टेक वीडियोस के लिए, अनबॉक्सिंग के लिए और टेक से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए, क्योंकि यह टेक वर्ल्ड जहां पे मिलेगी आपको दुनिया से जुड़ी टेक से जुड़ी हर एक जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, प्यार बनाए रखिएगा प्लीज, धन्यवाद।